हे बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ धनगढ़ी में हूँ एक्चुअली। यहाँ पर एक सुपर स्टोर दैट इज़ कॉल्ड मॉल, जो कि हम इंडिया में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं अभी, तो भाट भटेनी सुपर स्टोर है ना, वो मेरे पीछे दिख रहा होगा। बोर्ड काफ़ी लंबा सा, तो गेट काफ़ी बड़ा सा है, मस्त सा। और हेयर इज़ द बिल्डिंग ऑफ दिस स्टोर, जो कि मॉल का है। और इधर ये पार्किंग वगैरह है यहाँ पर, और आप देख सकते हो इस तरीके से ये मॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। और भैया जी यहाँ फोटोग्राफी करते हुए, तो चलो हम चलते हैं। टिकटॉक 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 पेपे पिज़्ज़ा। यहाँ पे ये फाउंटेन लगा हुआ है, कई लोग फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर। और ये बिल्डिंग है इस तरीके से। तो अभी तक मैंने सबसे जो ख़तरनाक वाला वो देखा है ना सीन, वो यहाँ पर देखा है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और इसके बाद आइए हम चलते हैं इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे जो है ये है लॉकर। तो अभी हमने जो है इस लॉकर में रख दिया 191091, ये जो रहा इसके अंदर हमने अपना सामान रख दिया। अब हम चलते हैं ऊपर। तो आओ चलते हैं, कैसा है भाट भटेनी ये मॉल, तो आइए हम देखते हैं। बहुत भीड़ है भाई। चलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, और फुल एयर कंडीशन है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है अभी। तो यहाँ पे ये वॉच स्टोर है, और इस तरफ जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और इधर ये कई सारे स्टोर हैं जहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने भी किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें ना कुछ देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी कितनी कितना कितना प्राइस रहता है यहाँ पर। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, और इस स्टोर में कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अभी हम किचन वाले सेक्शन में आए हुए हैं, किचन और इलेक्ट्रिक वाले। तो यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ की जो नेशनल ब्रांड है वो सारी चीज़ें भी हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस होने वाला है, और कौन सी चीज़ कितनी महंगी है यहाँ पर, कितनी सस्ती है इंडिया से, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मॉस्किटो रैकेट है, जो कि है मेड इन PRC। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक चीज़। तो ये मैंने देखा, जो कि एल्युमिनियम फॉइल है जिसपे आप खाना जो है पैक कर सकते हो। तो वो उसके कॉस्ट यहाँ पे देखिए 255 है NPR। तो ये वहाँ पे भी ऐसे ही मिल जाता है, मतलब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो करीब करीब 150 के आसपास पड़ रहा है ना। तो इतने का ही वहाँ पे इंडिया में मिल जाता, तो लगभग लगभग सेम मुझे लग रहा है। ये वहाँ बड़ा वाला है, तो ये हुक है जिसमें आप कुछ टांगने के लिए यूज़ कर सकते हो। 130 130, 295, और इधर 120, ऐसे ही यहाँ पर भी है 15 145। तो ऐसे ही 70 80 ऐसे ही मिलता है वहाँ पर भी। इसका भी कॉस्ट लगभग लगभग ऐसे ही पड़ जा रहा है 90 रुपए के आसपास। तो ये 760, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा सा है। तो मौसी ने ये ले लिया है एक, ये और ये किए। और यहाँ पर मैं ये डिस्पोजेबल वाली थाली दिखा देता हूँ, जिसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है, 255 होने वाली है। और इसमें कई सारे होंगे, मुझे लग रहा शायद इसमें 15 20 के आसपास। और इस तरफ डिस्पोजेबल वाली, ये इसकी कॉस्ट है 300, हाँ NPR 300 है, 300 की। तो भाई साहब ये बहुत महंगी है यहाँ पर मेरे हिसाब से। और ये 355 की मिल जाएगी हैंगर, जिसमें कि आपको चार हैंगर मिल जाएगा एक साथ। तो यहाँ पे मैंने देखा लॉन्ड्री बैग, जिसकी कॉस्ट है 1385 रुपये, जो कि बहुत ही छोटा है। तो 1385 मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है यार, मतलब करीब करीब 800 के आसपास ऐसा है। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है यहाँ पर ये, वहाँ अपने यहाँ जैसे मान लो 500 के आसपास मिल जाता है। अब हम छोटे छोटे से बॉटल जो है बॉटल देखते हैं। बॉटल ये जो है अपने यहाँ कितने कितने के मिल जाते हैं, 50 के आसपास, हाँ। तो इसकी कॉस्ट है 115, जो कि ठीक ठाक है। तो 50 60 रुपये वहाँ भी मिलती है, यहाँ पर मिलती है, सेम ही है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मसाला रखने वाला बॉक्स है, तो इसकी कीमत कितनी है, 165। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये एल्बम है, जिसकी कॉस्ट है 990, करीब करीब 600 रुपए के आसपास है ये। तो ऐसा ये मतलब सही दिख रही मुझे। तो कप का सेट देख सकते हो 1030 रुपए का है, तो 600 कुछ रुपए के आसपास होगा, 620 रुपए के आसपास। तो वो आप देख सकते हो। तो ये टेडी बियर भाई 5305 रुपए का है। तो भाई साहब ये भाई साहब जो है 3960 रुपए के हैं, और अगर बात करूँ इनकी तो ये 3415 रुपए के हैं। ₹333 डिस्काउंट 10%।
तो यहाँ पे भाई हमें मिला है ये सिक्का जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मतलब मजा आ गया। तो अब हम जा रहे हैं क्लॉथ स्टोर की तरफ, तो देखते हैं भाई साहब कपड़े कितने महंगे महंगे हैं यहाँ पर, कैसा है नज़ारा। सो यहाँ पे बीबा का स्टोर है जो कि यहाँ पे कई सारे इंडिया में भी बहुत सारे इसके स्टोर हैं। ओके सो हम आ चुके हैं यहाँ पर और कुछ चीज़ें मैं चेक कराऊँगा कि कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं और हम आगे भी देखते जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब नॉर्मली जैसे कि विशाल मेगा मार्ट या वी मार्ट की तरह ही यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मौसी को ये टी शर्ट अच्छी लगी है, अब आई डोंट नो कौन से ब्रांड की है। यहाँ पे ये पिंक लेन, तो ये मैंने पहली बार देखा सुना है। तो उसके बाद हम चलते हैं और कहीं और जिसकी कॉस्ट है, मैं कॉस्ट भी दिखाते चलूँगा ना, तो उसकी कॉस्ट है 775 नेपाली NPR में बात कर रहा हूँ ये, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी करीब करीब 400 के आसपास। तो ये चीज़ है और ये कुर्ती है जो कि 1005 की। तो हाँ ये तो बिल्कुल सेम ही है। और क्या हाल है भाई, कैसा हाल खबर अजूर को, इसको लग रहा है मैं उसका फोटो खींच रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मास्क जो है 1919 के हैं और उसके बाद ये 129 के हैं जिसमें बहुत सारे पैकेट में बहुत सारे हैं, जैसे करीब 20 होंगे। तो ये आपको देने को मिल जाएगा 129 जी, वही वाले हैं जो यूज़ एंड थ्रो वाले, तो वो वाले मास्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सॉक्स हैं जो कि 199 से 175 ऐसे 135 ऐसे बहुत सारे रेंज है ना, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी जो कि लगभग लगभग सेम ही है इंडिया वाले से। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू न्यू बैलेंस, ये नेपाल का ब्रांड है जो कि न्यू बैलेंस नाम से है, और साथ में यहाँ पे DB डार्क एंड ब्राउन ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कई सारी वेराइटीज़ हैं। तो भैया जी ये है 9999 10,000 का जूता है भैया, देख सकते हो। कानपुर से इंडिया, लखनऊ सुना होगा आपने, नाम सुना है। अच्छा यहाँ पे प्लास्टिक कभी बैन नहीं हुआ ना, हमारे यहाँ बैन हो चुका था, बैन हो गया, इधर नहीं हुआ है। अच्छा मतलब बड़े बड़े मॉल में तो फिर कैरी बैग लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो ये सारे सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के, नेपाल का सोने के सिक्के। अच्छा थैंक यू सो मच। तो भाई साहब यहाँ पे भी हमें मिल गए हैं दो दो सोने के सिक्के जो कि एक एक रुपए का है, एक दो रुपए का है, जो कि मुझे मतलब पर्सनली आई लाइक सो मच, जो कि आपको देने को मिल रहा होगा ना। इस पर क्या क्या लिखा मैं दिखा देता हूँ, नेपाल लिखा हुआ है और 2 रुपया लिखा हुआ है, रुपया। ओके और इसमें क्या लिखा, इस तरफ एक सागर माथा ये पर्वत है ना, सागर माथा, हाँ मैंने बुक्स में पढ़ा ज्योग्राफी में। एक नोट देने के बाद इतने सारे नोट मिल जाते हैं। तो मौसी ने भी ले लिए हैं भाई 5 सिक्के बड़े बड़े। हिंदी चैनल से चलते हैं ना, तो डांस इंडिया डांस भी देखते हो गया आप? मैं भी देखता हूँ। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिर से आप भी कभी आइएगा इंडिया, हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो भाई साहब अब टोकन जो है दिखाकर हम ले लेते हैं, ले लिया हमने सामान, और भी और ज़्यादा सोने के सिक्के हमें मिल गए। हाँ
वो कॉइन ना नए नए बिल्कुल न्यू न्यू से हैं। तो ये भी हैं जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी। आपका नाम कविता? ओके एलिना, ओ सॉरी। तो ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो ना। तो वो थोड़ा सा शाही है और बोलने में उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसे रैंडम बंदा कोई आके अगर बात करेगा ना तो कैसा लगेगा यार, तो वो चीज़ थी। तो कोई नहीं, अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं और सामान उठाते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, तो दिखाते हैं वहाँ पे कितना महंगा है चीज़ें क्योंकि यहाँ से या मतलब फॉर इंडिया से मोस्टली यहाँ रहें। तो हम चलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे। तो यहाँ पे स्वागत करते हैं हम आपका। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ब्रांड जो हैं वो हमें इंडियन से देखने को मिलती हैं। तो ये शुगर फ्री है जो कि जिसका प्राइस है ₹240। तो 240 का है। हाँ ग्रीन टी है। हाँ ₹260 का है। दिखाते हैं बादाम के पैकेट कितने कितने के हैं। तो ये देखिए 603 का मिल रहा है। तो अब हम ले चलते हैं आपको कॉफ़ी की तरफ। तो यहाँ पे ये भाट भटेनी कॉफ़ी जिसका प्राइस है 360, जो कि यहाँ का इस मॉल का ब्रांड है, और ये करीब होगा 100 ग्राम्स का है। तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 360 और साथ ही साथ 181 191, ऐसे ही यहाँ पे लगे हुए हैं। नेस्कैफे का ट्राई करते हैं। नेस्कैफे का ये वाला बॉटल कितने का पड़ता है? तो इसका रेट है 170, ₹170 का है, जो कि 50 ग्राम के लिए है। तो ये ब्रू का जो है 490 का पड़ता है, जो कि काफ़ी सही है 100 ग्राम्स के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये बूस्ट का पैकेट है जो कि है हाफ के जी का होगा। तो ये इंडियन है, इस पर देखिए 255 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये 390 का मिल रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हॉर्लिक्स का वगैरह मैं पैकेट दिखाता हूँ। हॉर्लिक्स आपको 330 लिखा हुआ है, बट यहाँ का रेट कितना होगा? अच्छा ये 330 का ही है। तो हाफ के जी के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 330। ओके नाउ अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये 230 का है, चॉकलेट फ्लेवर हॉर्लिक्स, हर घर का प्यारा दुलारा। ये कैडबरी का बॉर्नविटा जो है 321 का। तो ये आधा किलो के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। तो भाई साहब फॉर्च्यून का ये कच्ची घानी का 1 लीटर का तेल देखते हैं। ये है 480, ₹480 का, अपने वहाँ 200 के आसपास होता है, यहाँ पे 480। ओके अनार 305, 305 नारियल 135 का एक पीस, अपने यहाँ 40-50 रुपये का मिल जाता है। तो ये साग है जो कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे से होते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े से हैं। तो ये है 13 रुपीज़ के, 13 रुपीज़ 50 पैसा का, तो 12 रुपये के आसपास पड़ेगा क्योंकि 10% डिस्काउंट चल रहा है। मजे भी कर रहे हैं। तो भाई ये आपको यहाँ पे चटनी भी मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट है 323 का है ये भाई, तो आराम से आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं जिसका रेट यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट डाबर च्यवनप्राश, तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। तो डाबर का है ये 336, जो कि वहाँ 150 के आसपास मिलता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ प्राइस है, मैं प्राइस जो है थोड़े से साइड में लिख दूंगा। और 1 kg के लिए देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 1 kg, दिस इज ऑल अबाउट। तो ये है ₹590 का, तो काफ़ी। तो यहाँ पे है बीकानो का भुजिया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉरी ये 161 का है, ₹161 का। ये ₹209 वाले हैं बीकानो की भुजिया, और ये आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट मेन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। 250-250 की है भाई। तो हम बात करते हैं लोटे चोको पाई की, जो कि वहाँ पर मिल जाता है करीब ₹110 का, 125। तो यहाँ पर 212 का है, तो हाँ लगभग सेम ही है। चॉकलेट पीनट बटर जो कि चोकोम का है, जो कि है ₹280 का, तो ऐसे ही वहाँ सेम है, इसका रेट तो मुझे सेम लगा भाई।
तो ये मैं दिखाता हूँ लोटस का, ये खेरा विदा 335 रुपये का है, जो कि 245, ये देखो इंडियन रेट भी पड़ा 245, माई गुडनेस ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से बियर वगैरह आपको सारी खरीदने को मिल जाएगी, पीने को मिल जाएगी, यहाँ पे नहीं पी सकते हो बट यहाँ से ले सकते हो नेपाली बियर टॉट्स ऑफ अमाउंट जो कि आप ले सकते हो। तो मैं एक दो दिखा देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मस्टैंग और ये नेपाल आइस, ये नेचर और ये अरना जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मैंने सुना है, और नेपाल आइस स्ट्रॉन्ग वाली, और बडवाइजर यहाँ पर भी है। तो ये बारह सिंघे, दैट इज़ कॉल्ड बारह सिंघे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, गोरखा गोरखा, इसका टेस्ट मैंने सुना है ऐसे मतलब काफ़ी स्पाइसी सा होता है, आई डोंट नो कैसा होगा बट आप देख सकते हो 428 428 रुपये का है। और अगर बात करूँ इस वाले की गोरखा की तो 350 है, ट्यूबॉर्ग ये वहाँ भी आती है, 375 की है, 425 की है ट्यूबॉर्ग, दो दो है मतलब एक ये है 375 की है। और हम बात करते हैं बडवाइजर की, तो बडवाइजर की बात करते 390 जो कि वहाँ पे मिल जाती करीब करीब 205 और 210 250 ऐसे कुछ है होगा उसका, तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्गो की, तो मार्गो के भाई 54 रुपीज़ का है ये मार्गो, जो कि 54 रुपीज़ का है। अगर बात करें तो ये इंडियन ही है सब कुछ, 34 का इंडियन है ये, देखो आप देख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दंत कांति, सो हेयर इज पतंजलि दंत कांति जो कि 70 रुपीज़ का है, अपने यहाँ 50 का मिलता है, 70 रुपये का है देख सकते हो। तो पतंजलि ने यहाँ पर भी स्टोर अपना डाल दिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी होती है। हम बात करते हैं पतंजलि हैंड वॉश की, जो कि 65 का पड़ता है, यहाँ पर है 120 बाय जस्ट डबल साउ साउ, तो करेंट नाम से है, लेकिन मैंने देखा कि जो कौन सा मौसी लगता था वाई वाई मोस्ट फेमस ब्रांड है यहाँ का, तो ये इतना कुछ शायद इतना कुछ अच्छा नहीं होगा। ओके अब आते हैं भाई ड्रिंक्स पर, तो हेयर इज कोक, जो कि कोक है ये कितने का होगा, ज़ीरो शुगर वाला है ना, ये ज़ीरो शुगर वाला है, इसका दाम है भाई 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ का ये 76 का पड़ेगा वो, और आपको 114 का ये 1 लीटर वाला मिल जाएगा 114 रुपये का। और अगर बात करूँ 2 लीटर वाले की, तो 2 लीटर 220 रुपये का है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत अजीब अजीब रेट में मिल रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, कुछ चीज़ें लगभग लगभग सेम है, जैसे कि किंडर जॉय हो गया, तो किंडर जॉय की अगर बात करूँ तो अपने यहाँ भाई 50-55 का मिलता है, यहाँ पे भी इसे 40 रुपीज़ लिख रखा है ऑलरेडी, बट ये है अभी मैंने देखा था इसका स्टिकर कितना 80 रुपीज़, तो इसका भाई 80 रुपीज़ है यहाँ पर, तो मतलब सीधा सीधा सा 50 का 80 हो जाता है यहाँ पर, 500 का 800 हो जाता है, वो चीज़ें तो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी सोडे की बॉटल जो कि है 48 रुपीज़ की, जो कि अपने यहाँ 25 रुपये की मिल जाती है, और ये स्प्राइट वाली बॉटल जो कि 40 रुपये की मिल जाती है, वो यहाँ पे 50 रुपये के अराउंड, वो सॉरी 80 रुपये के अराउंड है। तो आप देख सकते हो स्प्राइट भाई 50 रुपये है, मतलब जो 20 रुपये की मिल जाती है वो यहाँ पे 50 रुपये की है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा कि जो भी ये कॉपी देते हैं ना, तो उसका इनके पास प्रिंट आउट ये साथ में कार्बन कॉपी निकलती रहती है, जिसको रोल करते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अब जाने का टाइम हो गया है, तो ये था भाई मॉल जो कि भाट भटेनी सुपर स्टोर है उस नाम से, और अब हम जा रहे हैं। सो फाइनली हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, और अब हम जा रहे हैं वापस इंडिया, और इधर बॉर्डर के पास जस्ट पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर है गौरी फंटा इंडिया नेपाल बॉर्डर,